कश्मीर न्यूज सर्विस प्रेजेंट। कहा कि जब तक कि राज्य का दर्जा वापस नहीं मिल जाता वो असेंबली के चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए असेंबली के चुनाव तो उमर साहब आप तब लड़ेंगे जब चुनाव होंगे। यहाँ चुनाव कराना कौन चाहता है? बीजेपी सरकार यहाँ चुनाव करवाना ही नहीं चाहती है, वो यहाँ प्रॉक्सी रूल रखना चाहती है। और जिस तरीके से अथॉरिटेरियन और डिक्टेटोरियल यहाँ एक हुकूमत चलाई जा रही है, पैंथर्स पार्टी उसकी कड़ी मुजम्मत करती है। जमहूरियत का यहाँ खुलेआम जो है वो गला घोटा जा रहा है। यहाँ कोई इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरीके से हमारी स्टेट को हमसे छीना गया है वो हम भी कहना चाहते हैं कि उसका कड़ा विरोध पैंथर्स पार्टी कर रही है कि यूनियन टेरिटरी जिस तरीके से बनाई गई है जम्मू कश्मीर की रियासत का, वो हमारी डिमोशन हुई है। यहां जल्द से जल्द स्टेटहुड को बहाल किया जाना चाहिए। और पैंथर्स पार्टी ने पहले ही कहा है कि 5 अगस्त को इस संदर्भ में पूरे जम्मू कश्मीर में जिला मुख्यालयों के ऊपर और तहसील मुख्यालय के ऊपर प्रदर्शन करेगी पैंथर्स पार्टी, अपने विरोध का इजहार करेगी, डेमोन्स्ट्रेशंस करेगी सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे, तहसील हेडक्वार्टर्स के ऊपर कि जल्द से जल्द हमारी स्टेट का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग कश्मीर न्यूज सर्विस।